और चलिए अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। 9 जून को नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होने वाली है। इससे पहले एनडीए की तमाम पार्टियों के सांसद जो हैं वो एक बैठक करेंगे संसद के सेंट्रल हॉल में। अब से कुछ देर बाद ये बैठक होने वाली है। बीजेपी अपनी बैठक में संसदीय दल का नेता चुनेगी। और आपको बता दें कि ये 5 तस्वीरें, बैठकों का शुक्रवार है, बीजेपी की बैठक होनी है, जेडीयू की मीटिंग चल रही है, एनडीए की बैठक अब से कुछ देर बाद होनी है जहां सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक हुई जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल का नेता चिराग पासवान को चुन लिया गया। वहीं टीडीपी की मीटिंग हुई। और अब आपको बता दें कि कुछ ही देर में एनडीए के सभी सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे नए संसद भवन के, और वहां पर एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी। तो ये 5 तस्वीरें आज की। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भी अपनी बैठक कर रही है। नीतीश कुमार के साथ ही जो किंग मेकर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी के सांसद भी बैठक कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी संसद के सेंट्रल हॉल में। ये बैठक होनी है। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी और एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जो मीटिंग होगी एनडीए की, उस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को संबोधित भी करेंगे। और आपको बता दें कि बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए के सांसदों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एक एक करके जो गठबंधन साथी हैं वो अपना समर्थन पत्र, एनडीए के जो घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र बीजेपी को सौंप रहे हैं। और आपको बता दें अब से कुछ देर बाद ही सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है। नए संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अब से कुछ देर बाद बैठक होगी। और उस बैठक में एनडीए का नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को। और एक इतिहास लिखने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जब 9 जून को वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे। ये देखिए हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम जो एनडीए के सांसद हैं, 293 एनडीए के सांसद। और देखिए ये आंकड़ा 293 से और बढ़ सकता है क्योंकि जानकारी के मुताबिक कुछ निर्दलीय जो हैं वो भी एनडीए को अपना समर्थन देने के लिए राजी हैं। तो ऐसे में आप बता दें कि वो सांसद भी संभव है कि पहुंचे। लेकिन बहरहाल जो जानकारी है 293 सांसदों की, वो सभी सांसद एक एक करके पहुंचेंगे। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद,
क्या जानकारी, सांसद पहुंचने लगे हैं? आपने सही कहा, तमाम एनडीए सांसद, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात की जाए, चाहे अरुणाचल से कच्छ तक, एनडीए घटक के तमाम पार्टी के तमाम एमपी और उसके साथ साथ वो नेता जो एनडीए के महत्वपूर्ण नेता के तौर पर तमाम सेंट्रल हॉल में पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है, लगभग अब फाइनल हो चुका है। कुछ देर में ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा और उसके बाद प्रधानमंत्री। तो लगभग 11:30 बजे से मीटिंग शुरू होगी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा ये प्रस्ताव रखेंगे कि हम ये मोदी को अपना नेता मानते हैं, जिसके बाद उनके बाकी घटक दल जेडीयू और पीडीपी के साथ तमाम घटक दल उसका समर्थन करेंगे। और इसके साथ ही बीजेपी ने अपने तमाम घटक दलों से अपना समर्थन पत्र भी प्राप्त कर लिया है, और जैसे ही प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद ही तमाम एनडीए के नेता यहाँ से सीधे लगभग 2:30 बजे के आसपास सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और दावा पेश करने के बाद परसों यानी 9 तारीख को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। आनंद, मीटिंग का समय क्या निर्धारित है, क्योंकि जानकारी थी कि लगभग 11:30 बजे के आसपास बैठक होगी और समय तो हो गया है? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बैठक की बात की है तो 11:30 बजे बैठक शुरू होगी, और अब तमाम सांसद, चाहे आप नव निर्वाचित एनडीए के तमाम सांसद के साथ नेता भी अपने सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं, और लगभग अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 के आसपास तमाम कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और जो की नेता जब अपना प्रस्ताव रखेंगे एनडीए के नेता के तौर पर, पीएम मोदी को तमाम दल का समर्थन करेंगे, उसके साथ साथ आज ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि अब सरकार बनाने का दावा हो जाएगा, और 9 तारीख शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी या कहें एनडीए मनाएगी, शपथ लेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार। चलिए ठीक है आनंद, तो आप नजर बना करके रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो सांसद हैं एनडीए के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, एक एक करके सांसद पहुंच रहे हैं, और कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होनी है, और यहां पर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद सभी जो घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे, और उसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 2:30 से 3 बजे के करीब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, सभी 293 सांसदों के समर्थन पत्र को सौंपेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो देखिए, एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एचडी कुमारस्वामी को आपने देखा, जेडीएस के नेता वो भी पहुंचे हैं, कर्नाटक से हैं, और साथ ही साथ टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी भी अपनी बैठक कर रही है। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष, वो भी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक हुई, जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल का नेता चुना गया। ये देखिए तस्वीर में आपको के अन्नामलाई नजर आएंगे। तस्वीरों के जरिए देखेंगे, नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकल रहे हैं, अपनी पार्टी के सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की है, और फिलहाल सूत्र एक बड़ी जानकारी यह भी दे रहे हैं
तो देखिए नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं अपने आवास से। खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी आपको यह भी दे रहे हैं कि जेडीयू 4 पद मांग सकती है, मंत्री पद 4 मांगे जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसमें 2 कैबिनेट और 2 एमओएस। अब अगर आप देखें तो बहुत बड़ी चुनौती तो जरूर है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया। सर मंत्री के लिए आपका नाम चल रहा है? नई जानकारी है मुझको। सर मुझको कितने मंत्री बनने जा रहे हैं? इतने लोग मंत्री बनने जा रहे हैं सर? अभी ये भी नई जानकारी। सर सर कहा जा रहा है कि राणा ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा। नहीं अभी कुछ जानकारी नहीं है बाबू। अग्निवीर वाले को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा? अभी 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 कुछ नहीं, उस पर कोई वार्ता नहीं। विशेष राज को लेकर तो देखिए सवाल जवाब तो किए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से। और लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे, ये ऐतिहासिक क्षण होगा और उनको सभी एनडीए के घटक दलों ने अपना नेता चुना है। आज उनके नेतृत्व में आज की बैठक है। लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्पण हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए लीडर्स की भी अभी परसों जो बैठक हुई थी उसमें भी बिना किसी शर्त के लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति हम लोगों ने सौंपने का हम लोगों ने काम किया है। और ऐसे में पार्टी की ना कोई शर्त है, पार्टी की ना कोई मांग है। और मैं एनडीए की तरफ से भी इस बात को कह सकता हूँ, एनडीए के किसी घटक दल ने उस दिन बैठक में ना कोई शर्त रखी ना कोई मांग रखी, बिना किसी शर्त। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, विशेष दर्जा भी मिलना चाहिए बिहार को, बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और मिथिलांचल से इतने सारे हम लोग सांसद जो आया है तो वहाँ पर पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर होना चाहिए, राम मंदिर के तर्ज में जैसे अयोध्या जी में हुआ। तर्ज पर ही मिथिलांचल में माँ सीता का मंदिर होना चाहिए। तो ये जेडीयू के सांसदों की प्रतिक्रिया जो है वो अब सामने आ रही है। मीटिंग नहीं हुई है, कौन बातचीत नहीं हुई, मीटिंग हुई ही नहीं है। कोई डिसीजन यहाँ कोई बैठक नहीं थी औपचारिक, सिर्फ सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ से सेंट्रल हॉल में जा रहे हैं लोकसभा में, वहाँ जो भी मीटिंग होगा जो भी बातें हैं वहीं पर। सांसद उपस्थित थे? हाँ पूरे 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 सबके सब। रेलवे को लेकर मांगे रेलवे मंत्रालय को उसकी क्या कहा है? नहीं किसी ने नहीं मांग की है रेलवे की, किसने कहा रेलवे में, ये सब आप लोगों का उपज रहता है, किसी ने कोई मांग नहीं की। सर सर 12 सांसदों का समर्थन पत्र आज ही राष्ट्रपति को सौंपेंगे? अब ये तो वहाँ जा रहे हैं सेंट्रल हॉल में, वहीं पर ये सारी बातें होंगी, वहाँ से निकल के जो बात कहना होगा कहा जाएगा। हाँ यार हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। अरे एक ही है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया हम लोग एनडीए के साथ। एक मजबूत एक सशक्त सरकार बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ में एनडीए की सरकार देगी, क्योंकि बीजेपी सहयोगी धर्म का निर्वहन करना जानती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अटल जी ने 17 राजनीतिक दलों के साथ में बड़ी बेहतर सरकार 5 साल चलाई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए का सरकार का ये स्वर्णिम युग होगा और निश्चित रूप में जनता की आकांक्षाओं पर ये सरकार खरी उतरेगी। तो हमारे नेता
रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू इन आंध्रा पार्डन मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू इन आंध्रा यस वी विल कंटिन्यू इन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू प्रॉब्लम मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू इन आंध्रा पार्डन मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू इन आंध्रा यस वी विल कंटिन्यू इन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू नो प्रॉब्लम तो देखिए कुछ ही देर में बड़ी बैठक होने वाली है एनडीए की जहां पर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी की एक बड़ी बैठक माफ कीजिएगा बीजेपी की नहीं एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो कुछ ही देर में होने वाली है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एनडीए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सभी सांसदों के पहुंचने का सिलसिला इस समय जारी है। देवेंद्र फडणवीस को देखिए बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। एक बड़ा दिल उन्होंने दिखाते हुए महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी खुद ले लिए। नायब सिंह सैनी को आप देखें पहुंच गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। तो हार की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में खुद ले ली है देवेंद्र फडणवीस ने भी और वो इस्तीफे तक की पेशकश कर चुके हैं। बाकी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां एनडीए चिराग पासवान को देखिए। चिराग आप कैसे देख रहे हैं इसको आप तीसरी बार बनने जा रहे हैं क्या? सरकार उतनी मजबूती से उतनी ही मजबूती से ये सरकार काम करेगी जैसे पिछले 10 सालों तक ये सरकार काम करती रही है और पूरे 5 साल मजबूती से ये सरकार चलेगी। थैंक यू। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर नमस्ते। क्या चीज़ आप सर? बिल्कुल पहुंच गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। पशुपति पारस को देखिए, पशुपति पारस भी पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। विजय सिन्हा पहुंच गए इस बैठक में शामिल होने के लिए। अभी एनडीए की मीटिंग होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना जाएगा। देखिए ये माँ भारती के संतानों का जो मन के अंदर संकल्प था, एनडी गठबंधन महाठगबंधनों की जमात जितना भ्रम का वातावरण बनाया, जितना देश की जनता को बरगलाने का, जितना निगेटिव मेरे भीती वो जो माहौल बनाया, अफवाह फैलाया, उसके बाद भी जितनी सीटें उसको आई है उससे ज्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई है और एनडीए गठबंधन फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 21वीं सदी का विकसित भारत, विकसित बिहार का सपना साकार करने का आशीर्वाद मिला है और वो साकार होगा। और बिहार में पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखें ना, हमारी सीटें सही आया है, जो लास्ट में हमारा अंतिम चरण में 6 सीटें का नुकसान है वो एक एक्सीडेंट है, हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पता है कि क्यों हुआ है, जो ये उन्माद पैदा करते हैं और अपराध और उग्रवाद को पोषित करते हैं, बिहार को फिर से लहूलहान करने का इन राजद महागठबंधन एनडी गठबंधन के लोगों ने खेल खेला है, जनता इनको सबक सिखा देगी 2025 में। और जेडीयू हो या फिर एलजेपी हो, क्या पूरी तरह से एनडीए के साथ है? पूरी तरह से एनडीए के साथ, एनडीए गठबंधन के लोग हैं और सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को सबने स्वीकारा ही नहीं है, घर घर तक पहुंचाया है। इसलिए कहें किसी के मन में शंका शुभा नहीं हो, जो चोर दरवाजे पिछले दरवाजे से आके सत्ता के लिए बेचैनी में लगे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, निराशा हाथ लगेगी। शुक्रिया शुक्रिया। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से देश का प्रधानमंत्री राजनाथ जी को। तो देखिए एनडीए के सभी दल इंटैक्ट हैं, ये कहा गया विजय सिन्हा की तरफ से। एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं, संसदीय दल की बैठक होने वाली है एनडीए की, थोड़ी देर में यह बैठक होगी।
और सभी सांसद एक एक करके पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। देखिए तस्वीरें लगातार इस समय आपको दिखा रहे हैं हम, जहां तस्वीरों के जरिए जो एनडीए के सांसद हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। ये देखिए सेंट्रल हॉल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए के तमाम सांसद आपको यहां पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री बन रहा है जो इस देश को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेगा। ये देखिए सेंट्रल हॉल के अंदर की तस्वीरें, तस्वीरों में इस समय आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, कंगना रनौत, सीपी जोशी, तो इन एनडीए के सांसदों को आप देखें लगभग सभी सांसद पहुंच गए हैं। नायब सिंह सैनी, विष्णुदेव साय, अनुप्रिया पटेल, तो एक एक करके जो सभी नेता हैं वो पहुंच गए हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, सांसद एक एक करके पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे। इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, बैठक जो आज हो रही है फिलहाल तो कोई मुश्किलें नजर नहीं आ रही हैं, एनडीए दल का नेता भी आज चुन लिया जाएगा और संभव है कि आज ही प्रधानमंत्री जाकर के मुलाकात भी राष्ट्रपति से करेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। ओम प्रकाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन तब तक देखिए ये तस्वीरें, कंगना रनौत पहुंची, संसदीय दल की बैठक होनी है एनडीए की और इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची है कंगना रनौत। हेमा मालिनी, मोदी सरकार थ्री बनने जा रही है, आपने भी एक जबरदस्त जीत हासिल की है, क्या कहना है? वेरी हैप्पी, बहुत खुशी का अवसर है, नाइस, वेरी बैक टू, तीसरी बार हम भी तीसरी बार आ रहे हैं और मोदी सरकार भी तीसरी बार, वेरी नाइस। तो देखिए हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, हेमा मालिनी पहुंची है बैठक में शामिल होने के लिए। ओम प्रकाश जी अब बोलिए। देखिए ये सेंट्रल हॉल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उसके सभी बड़े नेता जो है, प्रमुख जो है या अध्यक्ष जो है वो पहुंचेंगे। कल ही इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि स्वयं नीतीश कुमार इस बैठक में हिस्सा लेंगे, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू लेंगे और अपने जितने भी घटक दल हैं उन
वो अपना यहाँ पे नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनेंगे। सबका जो समर्थन पत्र है, अपने समर्थन पत्र पे दस्तखत किया हुआ है, समर्थन पत्र जो है पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और ये सभी लोग इस जब प्रधानमंत्री को एनडीए के घटक दल का नेता चुन लिया जाएगा उसके बाद ये सभी लोग जाएंगे राष्ट्रपति के पास और वहाँ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और संभवतः राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाएंगी। और जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से जो तैयारियां चल रही हैं उसमें ये बात आ रही है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। तो ये अभी तक की अपडेट है। और दूसरी बात मैं एक और बताऊँ, जहाँ ये बैठक हो रही है, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री इस संसद के गलियारे में उन्होंने जब अपना पैर रखा था तो संसद को चूमा था, दंडवत हो गए थे प्रधानमंत्री, यहाँ पे संसद के चौखट को चूमा था उन्होंने। और कुछ आज कुछ ऐसा ही आपको लगेगा। इस संसद सेंट्रल हॉल की बात करूँ तो ये वही सेंट्रल हॉल है जहाँ हमारे संविधान की रचना हुई है, हमारे संविधान सभा की बैठक इसी सेंट्रल में हुई है। यहीं पर आपको याद होगा कि राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जितने भी संविधान से जुड़े हमारे बड़े नेता थे वो सब यहीं पे बैठ के हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारा आज का संविधान है इसी सेंट्रल हॉल में तीन साल तक चली लंबी चर्चा के बाद, बहस के बाद, कई ड्राफ्ट के रेजोल्यूशन के बाद इसी सेंट्रल हॉल में संसद हमारे संविधान की रचना हुई। तो ये सेंट्रल हॉल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही आज हमारा सेंट्रल हॉल जो है अब वो यहाँ पर अब कोई उस तरह की बैठक नहीं होती है, अब सब कुछ नए पार्लियामेंट भवन में शिफ्ट हो। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है, एक ईमानदार दमदार नेता जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व। सर मोदी सरकार फ्री कैसे देखते हैं? फिर एक बार मोदी जी प्रिय पीएम बनने जा रहे हैं। मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर मेरठ की जनता ने आपको आगे किया है, आपको जीत दर्ज करवाई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? और मोदी सरकार थ्री सभी कुछ उन्होंने जो जनादेश दिया है उसको पूरा और जो विश्वास मुझ में रखा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा अपनी सक्षमता और अपनी योग्यता के साथ। सर मोदी सरकार थ्री क्या कहेंगे? अद्भुत ऐतिहासिक विराट $5 ट्रिलियन और शानदार तरीके से देश गरीबों का कल्याण होता रहे। नीतीश जी क्या क्या डिमांड रखी आपने? मीडिया से तो मुखातिब यहाँ नहीं होंगे ये भी तय मान करके चलिए। गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, नितिन गडकरी को आप देख सकते हैं। तो एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ओम प्रकाश जी अब बोलिए, साथ ही नेताओं के चेहरे जो मुस्कुराहट जो उनके चेहरे पर होती है कई बार ऐसा लगता है कि मायने बहुत अलग अलग होते हैं, अभी की स्थिति को देखते हुए कोई खतरा तो नजर कम से कम नहीं आ रहा होगा? नहीं बिल्कुल नहीं अभिषेक। अब जिस तरह से एनडीए के घटक दलों ने इतने कयासों के बीच में जिस तरह की एकता की है, ठीक है छुटपुट घटनाएं हो रही है, मंत्रिमंडल को लेके बंटवारे को लेके खींचतान चल रही है और अग्निवीर का मामला बीच में आ गया या फिर जो है वो दूसरी जो बिहार को स्पेशल पैकेज देने की मांग हो रही है, आंध्रा को स्पेशल पैकेज देने की मांग हो रही है, स्पीकर के पद पे जो खींचतान चल रही है वो सब अभी साइडलाइन है। अभी तो सबकी एकजुटता इसी बात को साबित कर रही है कि सरकार बनाना है। और मैं बताऊं, देखिए हम लोग सेंट्रल हॉल की बात कर रहे थे, इस सेंट्रल हॉल में एनडीए की ये बैठक क्यों बुलाई गई है जरा इसको सोचिए। पूरे चुनाव के समय में विपक्ष जो है संविधान को लेकर हमला करता रहा है कि एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है और संविधान बदल देंगे, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए उस जगह पे अपनी बैठक कर रहा है जहां पे इस देश का संविधान बना है, इसलिए संविधान से छेड़छाड़ करना या संविधान को बदल देने की बात जो विपक्ष लगाता रहा है एनडीए पे वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए हम उसी जगह बैठे हैं, उसी मंदिर में, पवित्र मंदिर में बैठे हैं जहां इस देश के संविधान की रचना हुई है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं ये पूरे देश को ये मैसेज देने के भी एनडीए कोशिश कर रहा है कि हम संविधान के साथ कोई
बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, हम उसी मंदिर में बैठे हुए हैं जहां ने जिस मंदिर ने इस संविधान को बनाया है। तो ये बहुत कुछ मैसेज है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कि देखिए हम इंडिया की बैठक कहीं और भी कर सकते थे। भारत मंडपम है, नया जो संसद भवन बनाया वहां बहुत, लोकसभा की जो गैलरी बनी, लोकसभा का जो हॉल बना वो बहुत बड़ा है, वहां पर सभी लोग एक साथ बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, ये एनडीए के नेताओं ने या कहें कि जो बीजेपी के नेताओं ने या प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये जगह चुना है उसके पीछे भी बहुत कुछ सियासत है, बहुत कुछ मैसेज देने की कोशिश है। और ये वही कोशिश है कि देखिए हम उसी प्रांगण में बैठे हैं, उसी मंदिर में बैठे हुए हैं जहां पे इस देश की संविधान की रचना हुई है। ओम प्रकाश जी, अब एक तरफ तो कम से कम ये सरकार फिलहाल की स्थिति में हम देख रहे हैं कि मजबूत नजर आ रही है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। खबर कुछ ऐसी भी निकल करके आई कि कई जो ऐसे सांसद हैं जिनमें निर्दलीय हो गए या एक दो सांसदों वाली पार्टियां हैं कुछ और जो अदर्स में हैं, वो भी अब रुख कर रहे हैं एनडीए का। इसके बाद अगर वो आते हैं जो आंकड़ा 300 को पार करता अब नजर आ रहा है, क्या इंडिया अलायंस में भी कुछ खटपट देखने को मिल सकती है? दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है कि शुरू भी हो गया। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा है अभिषेक, कि आपको याद होगा कि दो दिन पहले ही गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने 300 से ज़्यादा एनडीए के साथ समर्थन होने का, सांसदों का समर्थन होने की बात कही थी, उसमें ट्वीट किया था। लेकिन और ये संकेत उसी तरफ सारा इशारा कर रहे हैं। और कल इसकी वानगी भी देखने को मिल गई कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी एकता जो है वो सिर्फ मौकों की है, ये कोई बड़ा अलायंस लेके अगले 5 साल तक के लिए, अगले 10 साल तक के लिए नहीं चल रहे हैं। ये चुनाव दर चुनाव और अपनी योजनाएं बनाएंगे और साथ होंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे। और इसी की वानगी देखने को मिली आपको दिल्ली को लेकर, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, उस बैठक में यह तय कर लिया गया कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस ने मिलकर जो चुनाव लड़ा था उसमें एक भी सीट इन लोगों को नहीं मिली, 7 के 7 सीट जो है बीजेपी के खाते में गई। इसके बाद जो है जब बैठक खत्म हुई तो उस बैठक में यही निर्णय लिया गया कि दिल्ली में कम से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। और ये शुरुआत है, आप देखिए अभी आगे और भी जो विधानसभा चुनाव आएंगे, हरियाणा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, तो इंडिया गठबंधन में कितनी एकता रहती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे कम से कम एनडीए गठबंधन जो है सरकार चलाने के लिए एकजुट दिख रहा है और मुझे चलेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जितने भी एलाइज हैं उनके उनकी बातों को सामने रखा जाएगा, देखा जाएगा कहां कहां सहमति है, किन किन मुद्दों को लेकर सहमति है, उन पे सरकार काम करेगी। आपको मैं बताऊं कि एनडीए सरकार, मोदी सरकार जो थी 2.0, उसने जो आगे के लक्ष्य रखे हैं कि 1947 तक देखिए प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो, 1947 तक राज करेगी कि नहीं करेगी कोई नहीं जानता, लेकिन जो योजनाएं बनी है वो 1947 को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, 2047 का जो 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 लक्ष्य रखा गया है वो यही है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाना है। तो ये सब जो जो बड़ी योजनाएं हैं इनमें मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के घटक दलों में इनको लेकर कोई असहमति होगी। हाँ, सहमति असहमति की बात जब वो आएगी, जब आरक्षण का मुद्दा आएगा, मुस्लिम को अगर कोई राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर कोई बड़ा कदम उठाती है, या फिर बिहार सरकार में जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें कोई जोड़ घटाव होता है, या बाकी दूसरे एलाइज हैं वो आरक्षण को लेकर जो कोई चीज़ें लेकर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर एनडीए के घटक दलों में खींचतान होगी उस वक्त। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है। ओम प्रकाश जी, एक और चीज जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि अगर मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के लगता है कि अब कोई पेच फंसेगा, क्योंकि अब तो कम से कम वो स्थिति नहीं लग रही है कि कम मंत्रालय को लेकर के भी पेच फंस सकता है। देखिए मंत्रालय को लेकर विभागों का जो बंटवारा होना है, एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से राष्ट्र को सबल बनाने और राष्ट्र को एक नए विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए सब मिलकर नई सरकार गठन की ओर कदम बढ़ा दिया है। ओम प्रकाश जी, अब बोलिए। जी हाँ, विभागों के बंटवारे को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कल बीजेपी के नेताओं के, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा मौजूद थे और वो घटक दलों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसमें ये चीजें तय हो गई हैं। 7 घंटे कल पूरे 7 घंटे से ज्यादा समय चली है बैठक और उसमें मंत्रिमंडल को लेकर सभी लोगों के बीच आम राय बन गई है। लगभग विभागों का बंटवारा जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन किस पार्टी से कौन मंत्री होगा उसको लेकर सहमति बन गई है। वो उस लिस्ट को लेकर प्रधानमंत्री से भी चर्चा हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने भी उस पर अपनी सहमति जता दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल जो है मंत्रिमंडल बंटवारे को लेके या मंत्रिमंडल में कौन कौन दल शामिल होंगे या कौन कौन उसमें मंत्री बनेगा, बीजेपी से कितने मंत्री बनेंगे, जेडीयू से कितने बनेंगे, टीडीपी से कितने बनेंगे, लोजपा से कितने बनेंगे या दूसरे सहयोगी दल हैं, जेडीएस हैं या फिर महाराष्ट्र की शिवसेना है, इन सब से कितने कितने मंत्री बनेंगे इसका फॉर्मूला निकाला जा चुका है। और जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में जो फॉर्मूला था 4:1 का, वही फॉर्मूला पे काम किया जा रहा है, वो फॉर्मूला सबको मान्य है और बीजेपी को भी उस फॉर्मूले पे मंत्रिमंडल बंटवारे में या विभागीय बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कम से कम एनडीए के घटक दलों में ये कोई अब चर्चा का विषय रह गया है कि कितने मंत्री शामिल होंगे या कितने मंत्री बनेंगे या किस पार्टी से अब कौन मंत्री आ रहा है, वो चीजें तय हो चुकी है, उनको सबको अब सूचना दी जा रही है। आपको बताऊं 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, जिनको भी मंत्री बनना है उनके अब अपने जो वरिष्ठ उनके अध्यक्ष हैं या जो नेता हैं उनको पता है कि उनके दल से कौन मंत्री बनने वाला है, उन सब की तैयारियां चल रही है, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। तो अब मुझे कम से कम एनडीए की तरफ से कोई अड़चन नहीं दिख रही है, अड़चन नहीं दिख रही है, लेकिन अब ये मुश्किलें शायद इंडिया अलायंस की ज्यादा बढ़ाएगा अगर इस तरीके से एनडीए इंटैक्ट रहा तो। जी हाँ बिल्कुल, आगे आप देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, अगर हरियाणा में भी वो साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं या बाकी आगे चल के जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है या फिर एक साल के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है या 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, तो ये गठबंधन कितना मजबूत रहेगा इंडिया गठबंधन का, अभी सिर्फ कयासी लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मुद्दे आएंगे जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो इनकी जो आपस में जो खींचतान है, सीटों का बंटवारा है या जो इनमें जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी और क्या किस मुद्दों पर मतभेद है वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरह जो एनडीए गठबंधन की तरह जो इंडिया गठबंधन है वो इतना इंटैक्ट बना रहेगा। इसका कारण क्या ये भी आप मानते हैं कि इंडिया अलायंस जो बना उनका ये मकसद था कि सिर्फ हम लोकसभा चुनाव के लिए साथ हैं, विधानसभा चुनाव के लिए साथ नहीं है, जबकि एनडीए अलायंस में हम ज्यादातर ये देखते हैं कि बीजेपी जिस पार्टी के साथ भी है दोनों जगह है, या तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में नहीं है या दोनों में साथ है, ये ज्यादा कारगर साबित होता है बीजेपी के लिए। देखिए एनडीए के जो अलायंस है बिल्कुल आपने सही कहा, वो राज्यों में भी हैं और सेंटर में भी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है वो सिर्फ लोकसभा के लिए बने थे। और आपको याद होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने ही खुद इंडिया गठबंधन को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, कैसे चुनाव को लेकर, चुनाव में देखिए इंडिया गठबंधन का क्या मकसद था, किसी तरह से मोदी को सत्ता से हटाना है और मोदी ही एक कॉमन फैक्टर थे जिसके नाम पे ये सभी एनडीए के घटक दल जो है इकट्ठा हुए थे, कोई इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता था, कोई इनका कॉमन एजेंडा नहीं था, सबने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया था, ये किसी एक मिशन को लेकर जो चुनाव लड़ रहे थे उस मिशन का नाम था मोदी को हटाओ। और इसी मिशन के कारण अब मोदी फिर से चूंकि चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी जीत गई है, एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गया है, इसलिए जो इनके पास अब कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा कॉमन कोई एजेंडा नहीं है जिसको लेकर ये एकजुट रहे, सबकी राज्य में अपनी अपनी राजनीति है, सब एक समय में कांग्रेस के विरोधी रहे थे जो आज इकट्ठा हुआ है, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए या फिर शिवसेना को देख लीजिए या फिर दूसरे दलों को भी देख लीजिए, जितने इंडिया गठबंधन में लेफ्ट को देख लीजिए, ये सब कभी ना कभी ये सब कांग्रेस के विरोधी रहे थे और कांग्रेस के साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पे इकट्ठा हुए थे, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो एकता है वो जब राज्यों के चुनाव आएंगे तब ये एकता उसी तरह से बनी रहेगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए सेंट्रल हॉल की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इंतजार है नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जानकारी के मुताबिक आज ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब ओम प्रकाश जी एक और चीज जो बड़े बड़े कुछ विभागों को लेकर के पिछले एक दो दिनों में काफी ज्यादा सर वर्क टुगेदर
बांसुरी जी जबरदस्त जीत, युवा नेत्री क्या कह रही है, माँ याद आ रही है इस समय जी? एक दायित्व का एहसास है और जनता जनार्दन की कृतज्ञता मैं उनके प्रति ज्ञापित करना चाहूंगी कि उन्होंने सेवा का मौका दिया है, इस जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्य निष्ठा से। सर मोदी सरकार 3 क्या कहेंगे? मोदी सरकार आ गई है, एनडीए की सरकार जिस तरह आने वाली थी उस तरह आई है और हमें क्लियर मेजोरिटी है और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अनाउंस हो जाएगा और हम सरकार चलाएंगे, 5 साल तक सरकार चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। जनता के लिए कुछ शब्द? जी बहुत बड़ी जीत, उड़ीसा में सरकार बना ली है बीजेपी ने, क्या कहना चाहेंगे? जय जगन्नाथ। सर पंडित जी दिखाई देते नहीं? अभी नहीं पंडित जी। तो देखिए सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एनडीए के सभी सांसद एक एक करके पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करेंगे। तो ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस समय पहुंचे हैं, इससे पहले आपने संबित पात्रा को देखा, चिराग पासवान को देखा, तो सभी नेता एक एक करके लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और एनडीए के लगभग सभी सांसद बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। रोहन 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 अगर जरूरत हो तो ब्रेक नहीं लो, मोदी आ जाएंगे। देखिए अमित शाह आपको बैठे नजर आएंगे सामने, राजनाथ सिंह, इसके अलावा तमाम एनडीए के जो सांसद हैं, ये देखिए दो तस्वीर, इन तस्वीरों के जरिए राजनाथ सिंह और अमित शाह को आप देख सकते हैं। तो एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। ये देखिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तो इसी खबर पे हम बने हुए हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।